अनपढ़ लोगों को कैसे मूर्ख बना सकते हैं। यहाँ अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, जय श्री राम वाले। आप एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई भगवान का नाम लेना बुरा नहीं है, पर लेकिन कोई भी नेता, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी IAS, कोई भी IPS, किसी का भी बच्चा, मैंने जय श्री राम के नारे लगाता देखा है, कावड़ लाता देखा है, मंदिर पर शहीद होता देखा है, किसी धार्मिक जुलूस में देखा है, किसी उसमें एजिटेशन में देखा है, आज तक मैंने देखा ही नहीं है किसी का भी बच्चा। भाई केवल मरने के लिए बेचारे OBC और SC ST के बच्चे आएंगे, जिस देश में उनके 55,000 प्राइमरी स्कूल ख़त्म कर दिए गए, प्राइमरी शिक्षा, बल्कि 55,000 और BJP को स्कूल खोलने चाहिए थे, सेकेंडरी स्कूल खोलने चाहिए थे, वोकेशनल कॉलेज ट्रेनिंग वाले खोलने चाहिए थे, प्रोफेशनल कॉलेज खोलने चाहिए थे, और वो उनमें पढ़ाई, जिस देश में पेंसिल कागज कॉपी पे भी टैक्स लगता हो, आप बताइए आटे चीनी दाल पे भी टैक्स लगता हो, आप समझते हो क्या उस देश की राजनीति कैसी होगी, उसको देश को राज चलाने वाले कैसे होंगे, उनकी मानसिकता कैसी होगी जो इस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। आप चाइना को देख लो, चाइना सन 1949 में आज़ाद हुआ था, हमारा 47 में होगा, हमसे 3 गुनी उनकी आज आर्थिक स्थिति मजबूत है, 3 गुनी, हम उनका किधर नहीं ठेकते। तो आपसे एक एक बात का सवाल लिया जाएगा, आपके बच्चों से लिया जाएगा, आपके पोतों से लिया जाएगा, आपके परपोतों से लिया जाएगा, 5-5 नहीं 7-7 पीढ़ियों के आपके होने वाली औलाद जो नस्ल है ना, उनकी पूंछ दबाकर जहर निकाला जाएगा, उनसे भी आने वाली जनता, आने वाले प्राइम मिनिस्टर, आने वाली सरकारें, आप जो आज कर रहे हैं ना, आपकी परपोत संतानों से लिया जाएगा। जैसा आज जो कांग्रेस ने करा था, राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है ना, जो वो तुम आज जो कर रहे हो ना, आने वाली तुम्हारी संतानों से किया जाएगा कि BJP गवर्नमेंट में कैसे कैसे काम हुए थे। कोई सवाल ही पैदा ना, वोटिंग का जुमला है, खाली वोट लेने का जुमला है, 10 महीने में तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप बताइए क्या होगा, लोगों के कैसे आप जो उनसे सलाह ले लेंगे, लोगों से कैसे कंसल्ट कर लेंगे। ये केवल ये बात कहकर कि हम UCC लागू करना चाहते हैं, उस बात पर ये 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, विपक्ष को ये कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं, ये समाज के लोगों में या हिंदुओं की नज़रों में जो वोट हैं उनमें ये दिखाना चाहते हैं कि जो अपोजिट पार्टी हैं वो UCC के लिए तैयार नहीं हो पा रही हैं, विरोध कर रही हैं हमारा, जबकि कोई विरोध नहीं कर रहा, ये केवल जुमला ले रहे हैं और कुछ नहीं है, जुमलाबाजी है बस। मेरा कहना ये कि जो गाँव में लोग 70% रह रहे हैं वो UCC के बारे में कुछ नहीं जानते, जो अनपढ़ लोग हैं या जो कृषि हमारे कानून जो बेचारे कृषक लोग हैं उनके बच्चे हैं, समान नागरिक संहिता के बारे में वो क्या जाने बेचारे। मैंने पढ़ा है, मैं इसलिए जानता हूँ समान नागरिक संहिता क्या है, तो मुझे पता है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लाना चाहते हैं, वर्सेस करना चाहते हैं कि ताकि उसका हमें पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके, ये 2024 में केवल लोकसभा में अपनी सरकार स्थापित करने के लिए तीसरी बार, या इस बात का डर है कि 2024 में ना चला जाए तो ये जुमला चला के देख लेते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि जुमला 10 महीने में चल नहीं पाएगा। साथियों, मेरा क्रांतिकारी जय भीम सभी बहन भाइयों को, और मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से। साथियों, भारत के संविधान में आर्टिकल 44 UCC यूनियन सिविल कोड समान नागरिक संहिता का प्रोविजन है उसमें, और जब से ये शुरू से ही था, बीच में नहीं आया, बाबा साहब ने भी इसके बारे में बोला कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए देश के अंदर। समान नागरिक संहिता होने का मतलब है कि जितने भी विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के या विविधता के लोग भारत में जो रहते हैं, उन पर कुछ जो पर्सनल लॉ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और एक कानून के तहत में सबको कंसिडर किया जाएगा, उनको लाया जाएगा। उसमें प्रोविज़न है उनकी शादी का, उनके तलाक का, संपत्ति के बंटवारे का, उत्तराधिकारी का, वो उसमें सारी सब कुछ नियम है। आज की डेट में क्या है कि विभिन्न विभिन्न धर्मों में अपने पर्सनल लॉ हैं, जैसे मोमडन में शरीयत कानून है, ईसाइयों में अलग है, और क्रिश्चियन, बौद्ध, हिंदू सबके अलग अलग हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा मोमडन 4-4 शादी कर लेता है, ठीक है ना, तो एक कानून होने के बाद में सभी लोग समान, उनमें शादी की एज बराबर होगी, उनमें उत्तराधिकार के नियम बराबर होंगे, संपत्ति के बंटवारे में सबको बराबर का राइट्स होगा, लड़की लड़के को होगा, और तलाक, शादी, मेंटेनेंस, जितने भी कानून हैं वो सब पर्सनल लॉ के ख़त्म हो जाएंगे, एक ही लॉ चलेगा, समान नागरिक संहिता। लेकिन हमारे लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट दिया कि कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है उन्होंने, कि जितने भी धार्मिक लोग यहाँ रहते हैं उनसे कंसल्ट किया जाए, उनसे बात की जाए, उन्हें इस बात के लिए राजी किया जाए, ना कि एक डिक्टेटरशिप थोपी जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन से देश आज़ाद हुआ, प्रोविजन तो पहले से था इसमें, तब से क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोगों की आस्थाएँ
पर ठेस ना पहुंचे। उनके अपने जो कानून हैं उन्हें उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, हमारे जो आदरणीय मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, अब वो जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, इस तरह का कानून लाकर आप इस मौके पर कि जब 10 महीने मात्र इलेक्शन के रह गए हैं और आप कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, कि एक घर में जब दो कानून नहीं हो सकते, एक दो कानूनों से एक घर नहीं चल सकता, तो देश कैसे चलेगा, उनका स्टेटमेंट है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये आपने शुरू से क्यों नहीं लेके आया, जब ऐसी कोई बात थी। आज आप हिंदुओं को ये साबित करना चाहते हैं कि मैं समान नागरिक संहिता लाकर और मुसलमानों को दबाने का काम करेंगे, या सबको हम सब पर एक समान नागरिक संहिता लेकर आएंगे। वो बात सही है, समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग हैं उनसे कंसल्ट करो, उनसे परामर्श करो, उन्हें सहमत करो इस बात के लिए। आप जबरन ना थोपो कोई भी ऐसा कानून है, मेरा कहना ये है। ये बेनिफिट ऑफ द पॉलिटिकल्स वोटिंग के लिए है, आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं इस समय जब इलेक्शन ऊपर से है। इस समय आप इस तरह की बातें कर कर या ऐसा लोगों को बरगला कर ये बता करके हम तो ये लाना चाहते हैं, ठीक है ना, या अब की बार पास नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन में पास करेंगे, अब की बार हमें प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए कोई ना कोई एक अहम मुद्दा होना चाहिए। हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में बंटवारा होना चाहिए, देश के जितने भी धार्मिक लोग रह रहे हैं उनको लगना चाहिए कि आगे आने वाली सरकार इस काम को करेगी। जैसे धारा 370 हटाई इन्होंने उस समय, राम मंदिर का निर्माण करवाया उस समय, 3 तलाक को इन्होंने जैसे करवाया, ऐसे समान नागरिक संहिता, समान नागरिक, मैं ये नहीं कह रहा समान नागरिक संहिता देश के लिए खराब है, देश के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ एक ऐसी जो देश के नागरिक है उन पर एक समान नागरिक संहिता लागू होगी तो वो बढ़िया होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है उसे जबरन थोपें या भाईचारा ख़त्म करके थोपें या हिंदू मुस्लिम कराकर थोपें या मुस्लिमों को दबाकर हिंदुओं को उठाकर सौंपें या आप हिंदुओं को ये दिखाएं कि मैंने आप 2 शादी नहीं कर सकते, 4 नहीं कर सकते तो मोमडनों को भी नहीं करने देंगे हम, उनके तलाक के रूल और आपके तलाक के रूल सेम होंगे, उनके भरण पोषण का आपका रहेगा सेम रहेगा, संपत्ति में बंटवारा आपका और उनका सेम रहेगा, ये बता कर नहीं। वो कानून है समान नागरिक संहिता यही कहती है, वो जब से देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, आर्टिकल 44 में बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें प्रोविजन किया था, तभी तो आप आज लेके आ रहे हैं, आप अलग से थोड़ी बना रहे हैं। यदि इस बात को आप ये साबित करके दिखाना चाहें कि हमने बनाई है ये संहिता तो वो गलत है या हमारी सरकार लेके आई है, ऐसा नहीं है। आपने लॉ कमीशन की वो देखी होगी रिपोर्ट जो रिलीज हुई है अभी, उन्होंने कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया, उन्होंने कहा है कि इनसे सबसे कंसल्ट किया जाए, जितने भी मुस्लिम धार्मिक संगठन हैं, जितनी ये अलग अलग धर्मों के जो लोगों के अपने अपने जो लॉज हैं उनके जो समुदाय हैं उनसे पूछा जाए, उनसे उन्हें राजी किया जाए, जब वो तैयार हो जाएं आप रिलीज कर सकते हैं कानून। ना मेरा कहना तो देखो ये है कि यदि आप समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते हैं तो पत्रकार महोदय मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ में उनकी समानता होनी चाहिए, फिर तो जो पॉलिटिकल है रिप्रेजेंटेशन उसमें भी उन मोमडनों का हिस्सा होना चाहिए, सरदारों का हिस्सा होना चाहिए, जैनियों का हिस्सा होना चाहिए, बौद्धों का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदू हिंदू देश पर राज करा जाएगा, हम तो जब जाना समान नागरिक का मतलब कि और नागरिकों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ना, राज्यसभा में लोकसभा में या विधानसभा में उनकी सीटें बढ़ाई जाएँ, उनका रिजर्वेशन लागू करने से पहले उनका रिजर्वेशन निश्चित किया जाए कि मोमडनों की इतनी सीट भरी जाएंगी, जभी तो आपस में भाईचारा बनेगा, देश में सौहार्द प्रेम जभी तो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि समान नागरिक संहिता लागू कर दी कि बस वो कानून लागू करोगे उन्हीं के लिए, वो दो भी तो सही साथ में कर लोगे बस, वो 4 शादी नहीं कर सकते ये बात सही है, उनकी जो बंटवारे होंगे वो भी बिल्कुल सही है। तो भाई उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है या पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है वो पूरा होना चाहिए, उनका सरदारा का होना चाहिए, बौद्ध का होना चाहिए, ईसाइयों का होना चाहिए, खासकर मैं मोमडन भाइयों की बात करता हूँ, मोमडन भाइयों का रिजर्वेशन कंप्लीट किया जाए, उन्हें एक अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। चाहे EWS का तुमने दे दिया, मुस्लिम भाइयों का आप स्टेटस देखोगे पिछड़े हुए हैं ना राजनीति में, वो भी कितने मोमडन मंत्री हैं बताइए, कितने मोमडन MLA, कितने MP हैं, कितने राज्यसभा मेंबर हैं। तो यदि आप समान नागरिक संहिता लागू करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ लोकसभा राज्यसभा में उनकी सीटों का बंटवारा, सीटों की स्थिति भी मजबूत की जाए, उन्हें वहाँ रिजर्वेशन दिया जाए, आदिवासियों को भी उनका वेलफेयर के बारे में होना चाहिए ना। जब हम समान नागरिक संहिता कह रहे हैं तो उस नागरिकों को और भी अधिकार भी होने चाहिए, ना कि दायित्व हैं या एक कानून थोप देना है, उस कानून के तहत में जब सब कुछ समान है तो उन्हें समान मंत्री पद देने चाहिए, समान ब्यूरोक्रेट्स के पद देने चाहिए, IAS IPS
IAS IFS उनके जो रिजर्वेशन उनका पूरा करना चाहिए, उनके पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। नहीं है उनका रिजर्वेशन, नहीं है तो रिजर्वेशन स्थापित किया जाए, इस पर अलग से सीट बना के उन्हें रिजर्व किया जाए, उनको उनको लाया जाए, तभी तो उनको ऊपर लिया जाएगा, तभी तो समान नागरिक होंगे सारे। UCC में बिल्कुल मिलेगा, जब आप जब समान नागरिक संहिता है तो अगली आवाज़ यही उठेगी कि देश में जो बंटवारा है वो समान अनुपात में होना चाहिए। समान नागरिक संहिता का मतलब ये नहीं है कि आप शादी विवाह या विवाह विच्छेद या संपत्ति का बंटवारा ही होगा, नहीं, देश की संपत्ति का बंटवारा भी समान नागरिकों के अनुपात में होना चाहिए। यदि दलित जितने हैं तो उनके हिसाब से होना चाहिए, OBC जितने हैं तो OBC के हिसाब से होना चाहिए, मोमडन जितने हैं, माइनॉरिटी जितने हैं उनके हिसाब से होना चाहिए, हिंदू जितने हैं हिंदू के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आय के साधन या देश पर पॉलिटिकल जितने भी संपत्ति के या जितने भी पद हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं सब हिंदू हिंदू लेंगे, नहीं, उसमें मोमडनों का हिस्सा भी होना चाहिए। मैं मोमडनों की वकालत करता हूं, इसलिए कर रहा हूं, उनकी पक्षधारी कर रहा हूं कि वो भाई भी हमारे पिछड़े हुए हैं, वो उसी देश में रहते हैं, उनका जो स्टेटस है वो SC-ओं से भी नीचे है पढ़ाई लिखाई में। आप बताइए उनके लिए कितने आपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोली है, वो सब खत्म हो जाएगा समान नागरिक संहिता बन जाएगी, तो फिर तो समान हो जाएंगे ना। तो समान नागरिक संहिता से जो कंसल्टेशन रिलीज जो पेपर किया है उसने कमीशन लॉ कमीशन ने, वो इसीलिए किया है कि भाई उनके अधिकार निश्चित किए जाएंगे, उन्हें राजी किया जाएगा कि तुम्हारे लिए इतने पद आरक्षित किए जाएंगे, तुम्हारे लिए राज्यसभा में इतने पद आरक्षित किए जाएंगे, लोकसभा में तुम्हारे इतने पद आरक्षित किए जाएंगे, IFS IAS IRS IPS ब्यूरोक्रेट्स में आपके इतने पद स्थापित किए जाएंगे, विधानसभा में इतने किए जाएंगे, आपके बोर्डों में इतने किए जाएंगे, आपके लोगों के लिए कॉलेज इतने खोले जाएंगे, प्राइमरी स्कूल्स इतने खोले जाएंगे, आपके लिए यूनिवर्सिटी इतने खोले जाएंगे, तो सब कुछ समान होगा तो देश में सब कुछ समान होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू हिंदू को मिलेगा। पेट्रोल पंपों का बंटवारा हो रहा है, गैस एजेंसियों का बंटवारा हो रहा है, कंपनियों का बंटवारा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो मैं यह कहूंगा इस बात की, मैं पुरजोर सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि हर चीज में समान होना चाहिए। विरोध इसलिए होता है कि वहां पहले जो जिन लोगों के लिए जो कानून लाया गया है उनकी रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है, उन लोगों को बताया नहीं जाता, उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता, उनसे सलाह नहीं ली जाती, उनसे परमिशन नहीं ली जाती, उनका हम एक्सेप्टेंस नहीं ले पाते हैं कि आप तैयार हो नहीं हो। जब हम किसी भी कानून को किसी के ऊपर लागू करेंगे, अब जैसे किसान कानूनों पर लेके आए थे, कृषि कानूनों पर किसानों से पूछा ही नहीं था बिल्कुल भी, बताइए आप, जब किसानों से नहीं पूछा तो किसान बगावत पर उतर जाए। तो इसी तरह लोग देश में बगावत पर ना उतरे, इसलिए लोगों की सलाह लेना, उन्हें एक्सेप्टेंस में लेना या उन्हें स्वीकार कराना कि हम बिल्कुल तैयार हैं, तभी कोई भी कानून लागू करना चाहिए। देश में सब चीज ध्यान में रखनी चाहिए। जातिगत जनगणना के आंकड़े खोलने पड़ेंगे समान नागरिक संहिता के लिए, कि समान नागरिक संहिता में किन किन लोगों की कौन कौन सी जाति, कौन कौन से धर्म के लोगों की कितनी कितनी जनसंख्या है। यदि इन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़े साबित करें तो लोकसभा राज्यसभा में सीट बढ़ानी पड़ेगी ना, फिर उनके लिए आरक्षण घोषित करना पड़ेगा, उनके लिए सीट रिजर्व करनी पड़ेगी, और जो उनके जो पद हैं बाकी के ब्यूरोक्रेट्स में कई लाख पद जो खाली पड़े हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। फिर समान नागरिक संहिता में मंदिर मस्जिद की बात नहीं, बल्कि पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे, जैसे मुस्लिमों का शरीयत लॉ है जो उनका पर्सनल कानून है वो खत्म हो जाएगा, ईसाइयों का कानून है वो खत्म हो जाएगा, जितने भी धर्म हैं उनके अपने अपने कानून खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार तो हिंदू राष्ट्र बना रही है, अमृतकाल चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, ये नया सुगुप्पा छोड़ दिया है। नहीं, अब हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात पहले हो रही थी ना, अब हिंदू राष्ट्र को जमलान का चल नहीं पाएगा, हिंदू राष्ट्र बन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, ये केवल हिंदुओं का देश नहीं है, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो वो हिंदू का छोड़ने के बाद अब UCC पे आ गए, इनकी एक टीम है जो ये रिसर्च करती रहती है कि हम किस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। आप बताइए हमारी GDP का कितने परसेंट, 2.9% मात्र GDP का हमारी का खर्च होता है हमारी शिक्षा पर, और जबकि उनका कितना होता है 6.7% उनका चाइनीज का। तो जिस देश में लोग शिक्षित कम होंगे वहाँ लोग अपने अधिकारों को जान नहीं पाएंगे, अपने दायित्वों को जान नहीं पाएंगे, नुकसान दोनों तरफ है। तो इसलिए ना शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, इधर उधर की जुमलेबाजी से खामोखा की बेकार है बात करना। ये सरकार चलाने में असफल रहे हैं, आप देख रहे होंगे पीछे सारे लोगों को इन्होंने विरोध किया है, इसके बाद भी अब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना या BJP सरकार में आने का सपना देख रही है, विपक्ष को एकजुट होते हुए डर रहे हैं ये, कहीं हमारी ऐसा ना हो विपक्ष हमारी सरकार को गिरा दे, वो तो होना ही है, हमेशा थोड़ी किसी की चली है।